हेलो, हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज हमारा फोर्थ डे स्टार्ट हो गया है। अभी हम वॉक के लिए जा रहे हैं, उसके बाद श्रुति क्रिया के लिए जाएंगे, फिर योगा होगा। नाश्ते में मिला है एप्पल और लेमन जूस। ये हमारा लंच है पपाया, ये खाना है आज हमें लंच में, और लेमन वाटर पीना है। मॉर्निंग की सारी थेरेपियाँ हो गई हैं, सुबह वही सब रूटीन हुआ, सारी क्लीनिंग, उसके बाद जीरे का पानी, फिर योगा। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि हमने ब्रेकफास्ट में एप्पल खाया था और नींबू का पानी पिया था। आज मॉर्निंग में उठते ही मेरे सर में दर्द हो गया था, तो वैसे मुझे आज देनी थी इनको लिक्विड डाइट पूरा दिन, तो सर दर्द की वजह से मुझे फिर एप्पल दिया कि मैं पेन किलर खा सकूँ। तो आज नहीं हो रही लिक्विड डाइट, देखो किस दिन होती है। योगा के बाद फिर हम थेरेपी के लिए चले गए। आज फिर से दोबारा मड बाथ हुई थी, मड थेरेपी दी थी, और उसके बाद स्टीम, और फिर अब हम रूम में आए हैं। तो 3 बजे थेरेपी है, तो थोड़ी देर में सोऊंगी क्योंकि दर्द ना अभी भी है सर में थोड़ा थोड़ा। थोड़ी देर सो के उठूंगी, उसके बाद आज मेरी शिरोधारा होगी। शिरोधारा सर दर्द की वजह से उन्होंने मुझे आज शिरोधारा दी है, जिसमें माथे के ऊपर वो ऑयल का कुछ होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आता रहता है, तो इवनिंग में मुझे वो दिया जाएगा और ठंडी गर्म सिकाई दी जाएगी। तो अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, के बाद शाम को बताती हूँ और क्या हुआ। मैं सोकर उठ गई हूँ और काफ़ी सर दर्द में फ़र्क पड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो मेरे रूम के बाहर, ये रूम के अंदर से ही साइड सीन दिखाई दे रहा है, इस तरह से है। काफ़ी सुंदर है ये जगह, तो बहुत अच्छी लगी। अब मैं जा रही हूँ शिरोधारा के लिए, तो अगर वहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ कि शिरोधारा को कैसे करते हैं, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी शिरोधारा कैसे देते हैं। ये शिरोधारा का रूम है, यहाँ पर शिरोधारा होती है। शिरोधारा में क्या क्या होता है ये नेहा बताएगी और यही करेगी। शिरोधारा में इसमें तेल को गुनगुना कर दिया जाता है, हम तेल को इसमें भर देते हैं और धीरे 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 पेशेंट को इस बेड में लेटा के, फिर पेपर बिछा के पेशेंट को लेटा के, फिर हम इसमें धीरे धीरे तेल डालते हुए एक साथ तेल डाल के इसको हल्के हल्के से चलाते हैं, हल्का 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 चलाने से पेशेंट के समथिंग यहाँ से कमर करके पीछे के साइड को जाता है। फिर तेल ये ट्रीटमेंट कम से कम 15 से 20 मिनट तक करते हैं। 15 से 20 मिनट करने के बाद और उसके बाद हम 5 मिनट की हेड मसाज करते हैं। ये माइग्रेन, सर दर्द, सर से रिलेटिव, हेड से रिलेटिव परेशानियों को दूर करता है। आप कभी भी किसी भी ट्रीटमेंट में जाएंगे तो आपको ये ज़रूर कराना है, ये सबसे बेहतर पंचकर्मा का ट्रीटमेंट है, आपको उसमें डेली कराना चाहिए। हफ्ते में 2 बार भी कराओगे तो भी बहुत अच्छा है। कभी भी आपको अगर हेडेक की प्रॉब्लम हो या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो आप ये जरूर कराएं, ये बहुत अच्छी चीज है। ये हम शिरोधारा कर रहे हैं, गुनगुने तेल से शिरोधारा हल्के हल्के से माथे से नीचे की ओर
देखिए कैसे दिया जा रहा है। शिरोधारा मेरी हो गई है, काफ़ी अच्छी थी। और अभी आई है हर्बल टी, तो हर्बल टी पीने के बाद योगा होगा। शिरोधारा हो गई मेरी और अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह से सर में दर्द था, काफ़ी रिलीफ मिला। तो इतना ज़्यादा तेल हो जाता है, ऑयल हो जाता है। देखो ये बांध दिया, शार कैप लगाई है ताकि कपड़े ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं। आज मिला है घिया, टमाटर और गाजर का सूप। आज सूप पिया है और अब हम झूला झूल रहे हैं। इसे बहुत हंसी आ रही है। सूप पीने के बाद हमने अभी तक झूला नहीं झूला था, तो हम झूला झूलने आए हैं आज रात को। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े मजे आ रहे हैं। ये क्यों लगाया हुआ है कैप? ये कैप मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत सारा ऑयल है, ऑयल से भरा हुआ है मेरा पूरा सर। अच्छा, कल बाल धुलेंगे उसके बाद थोड़ा सा निकलेगा, मुझे लग रहा है निकलेगा भी पता नहीं कैसे। ये तो मैडम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। हमारी वैसे वेट लॉस के साथ साथ पिकनिक भी हो रही है। और हम कई सालों बाद मिले हैं इस तरीके से। हाँ, शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं इस तरीके से। और साथ में रह भी पा रहे हैं, हमने तो ये सोचा ही नहीं था कभी कि हम रहेंगे भी साथ में। थैंक यू मोटापे का। देखो मोटापे का थैंक यू। पुराने दोस्तों से मिलना कहाँ होता है, तो थैंक यू मोटापे का। चलो ये डिनर आया है, घी की सब्जी और कुकुम्बर। आप कुछ बोलोगे? बड़ा टेस्टी है करी, बड़ा टेस्टी नहीं लेके खाए आज ही? बड़ा नहीं, घिया घिया टेस्टी है, कुछ भी है नो डाउट। चाय इसके अंदर मसाले नहीं है लेकिन टेस्टी है, टेस्टी बहुत है। एक बात और भी तो है ना, क्योंकि इनका कुकर जब कुछ नहीं मिलता तो सब कुछ टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। गुड नाइट। गुड नाइट। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।